I think it's high time we devise some new way to do it. A 30-second promo for a subject matter like Rakthacharitra, because one is a milieu so new, and the setting and the issue it deals with and the character conflicts are very alien. So I thought, if you get to know enough about what was the cause of this character, what was the origin of this whole problem, whatever the film deals with, and the criminal political nexus, which is kind of lightly touched between Shatrughan Sinha and Vivek's character. मुझे लगा कि ऐसा रोल शायद ही एक एक्टर को एक करियर में करियर स्पैन में शायद 10 साल में एक बार एक एक्टर को ऐसा रोल मिले, इफ ही इज लकी. इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है इस रोल में. जैसे आपने अभी एक क्लिप देखा द ट्रांसफॉर्मेशन, सो टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वल्नरेबल रेगुलर एवरीडे एजुकेटेड नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड गाय लाइक यू एंड मी एंड टू बिकम समबडी हु बिकेम हु ही बिकेम इन द नेम ऑफ प्रताप रवि. I think that story itself was just too amazing and overwhelming. When I heard the one line, I just knew I wanted to be a part of it. There was no second thought in my mind. मुझे लगता है कि प्रताप रवि का कैरेक्टर जो है वो जो भी मैंने प्ले किया है उससे कई ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि जब हम अंडरवर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो अंडरवर्ल्ड एक बिजनेस है, एक धंधा है. लोग पैसों के लिए काम करते हैं, इट्स लाइक अ जॉब. जो प्रताप रवि का किरदार है, मुझे लगता है कि वो एक उसूलों पर बेस्ड है. एक अ मैन हुज़ प्रिंसिपल्ड, अ मैन हुज़ गॉट स्टील इन हिज आइज़. एक आदमी जिस जो लोहे का बना हुआ है, और अगर उसे अपने उसूलों के लिए मरना पड़े तो जान दे देगा. उसे अपने उसूलों के लिए किसी को मारना पड़े तो वह जान ले लेगा. तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ अ पावरफुल कैरेक्टर मेरे करियर में मुझे पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली प्ले करने के लिए. मैं इस फिल्म में एक नए अंदाज में हूँ, रोल भी नया है मेरे लिए, डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और भी खूबसूरत अंदाज रहा है. इसलिए कि इस फिल्म के नायक हैं विवेक ओबेरॉय, जिन्होंने बहुत ही कमिटमेंट के साथ, सिंसेरिटी के साथ, अपने रोल के साथ बहुत ही इंसाफ किया है, बहुत अच्छा काम किया है. उनके साथ हमने भी लोगों का ऐसा मानना है कि एक नई जोड़ी, एक नई केमिस्ट्री पैदा हुई है हम दोनों के मिलने से. रामा राव जी के तर्ज पे काम कर रहे हैं. मैं बता दूं, ये कोई मिमिक्री आर्टिस्ट का करामात नहीं है. कोई मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, चाहे ना राम गोपाल वर्मा साहब ने किसी की कॉपी करने को कहा है, लेकिन एंटी रामा राव जी का रोल जो था लार्जर देन लाइफ था, और ऐसा लगता है उस लार्जर देन लाइफ रोल को पेश करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए शायद इन्हें भी एक ऐसे पर्सनैलिटी की आवश्यकता थी जो इनकी नज़रों में लार्जर देन लाइफ रहा है, लार्जर देन रोल और लाइफ रहा है. और इसलिए इन्होंने मुझे इसमें बहुत ज़ोर दिया कि मैं इसमें काम करूं नए अंदाज में, बगैर मूछों के साथ, नए डिलीवरी, नए परफॉर्मेंस के साथ. जो लेजेंड्स रामू जी को बताए गए, सुनाए गए, जो लोगों ने उनसे कॉन्वर्जेशन में बताया, वो चीज़ें जब उन्होंने मुझे बताई, एंड ही पुट इनटू पर्सपेक्टिव ऑफ द फिल्म, इट जस्ट ब्लू माय माइंड. मुझे ऐसा मतलब इट वाज एक्साइटिंग टू सिट एंड लिसन टू, इट फील्स कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, और वो चीज़ हमने पर्दे पर लाने की कोशिश की है.